वैसे सबसे ज़्यादा फेमस तो है अपना मीनारा मस्जिद, वहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तब ज़्यादा आप लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। पलावा है, मुनाफा है, अपने पास हलवा है, रबड़ हलवा है, ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, केसर बादाम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ मस्जिद बंदर मीनारा मस्जिद के जस्ट सामने, और भाई आज है 27वां रोज़ा जो कि बहुत ज़्यादा खास होता है भाई, और यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा क्राउड है। और ये जस्ट मीनारा मस्जिद है, उसके सामने भाई पूरी अफ्तारी लगती है, अंदर भी अफ्तारी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। वैसे बाकी बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ये है जमजम, और यहाँ पर भाई मालपुआ वगैरह बहुत सारा मिलता है। और यहाँ पर मैं भाई से बात करता हूँ, तो यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, अपने पास में क्या क्या मिल जाता है वैसे रमजान के टाइम पे? अच्छा अच्छा, ये अभी क्या पैक कर रहे हो आप? अच्छा, इसके साथ में जो लपेट के देते हैं। अच्छा अच्छा, ये मालपुआ का क्या रेट है? मालपुआ है 200 रुपये 250 रुपये। अच्छा, 200 रुपये 250 रुपया, और भाई गरम गरम बनते रहते हैं यहाँ पर। और कितने बजे तक चालू रहता है वैसे अभी? सुबह 4 बजे तक, मतलब शहरी के टाइम तक चालू रहता है। और क्या क्या है अपने पास में? अच्छा, बहुत कुछ है, पूरा मिठाई आइटम। अच्छा, ये फिरनी है। अच्छा, ये केसर डाले हुए हो ना ऊपर से? व्हाइट फिरनी है। अच्छा अच्छा, व्हाइट भी है, और कौन कौन सा है? पकलावा है अपने जमजम में। अच्छा अच्छा, जमजम का स्पेशल क्या है? जमजम में स्पेशल ड्राई फ्रूट है, अफलातून है, हलवा है, तमाम सी चीजें हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पर अगर जैसे कोई बाहर से आना चाहे तो क्या ट्राई करे? उसको मैं ट्राई सैंपल देते हैं ना, सैंपल मिठाई वगैरह खाने के लिए, जो अच्छा चॉइस लगे तो अच्छा लगे वो ले सकता है, जो अच्छा लगे वो ले सकता है। वैसे सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे जो सेल होता है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो क्या है? वो अफलातून है, हलवा है, यही ड्राई फ्रूट है सब। अच्छा अच्छा, बाकी रमजान महीने में तो हलवा है और फिरनी है। अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा अभी ये चलता होगा है ना? अच्छा, ये उस्ताद है, बनाते हैं। अच्छा, ये बनाते हैं, भरपूर ड्राई फ्रूट पड़ता है। अच्छा अच्छा, अभी ये कब से क्राउड चालू हो जाएगा? ये तो रमजान शरीफ में चलता है, बाकी रमजान शरीफ में तो खत्म हो जाता है, बाकी तो आने दिन रहता है। नहीं, अभी रमजान में ये क्राउड कब से चालू हो जाएगा? अभी जैसे खाली खाली है, मगरिब के बाद, मगरिब के बाद से सब पब्लिक आने लगेगी। ये रास्ता वास्ता बंद हो जाता है ना? ये रास्ता तो पूरी पब्लिक जाम रहती है यार, रहने के जाने के लिए तकलीफ रहती है। अच्छा, गाड़ी वाड़ी नहीं आने देते? गाड़ी वाड़ी नहीं आने देते हैं, इसमें बाइक वगैरह है सब दिखा देते हैं, पुलिस वाले फाइन मारते हैं जो। अच्छा अच्छा, क्या भिखारी वगैरह जब आते हैं उनको पकड़ के लाद के लेके चले। अच्छा अच्छा, लेके जाते हैं सबको। बाकी माल को, मालपुआ आपके पास में है। अच्छा, ये किस में डालते हो? ये ड्राई फ्रूट मालपुआ बनता है उसमें। अच्छा, इसमें डालते हो ये? उसका क्या प्राइस रहता है? रहता है उसका क्या प्राइस रहता है? उसका 300 रुपया रहता है। अच्छा, 300 रुपया रहता है, 300 रुपया। सिर्फ अपने पास में मिठाई वगैरह है ना? मिठाई बहुत सी चीजें, पकलावा है, मुनाफा है, अपने पास हलवा है, रबड़ हलवा है, ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, केसर बादाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ पे हंगामा ड्राई फ्रूट है। अच्छा अच्छा, बहुत सी चीजें हंगामा वाली है। तो भाई आप लोग यहाँ पर आ जाओ, जो कुछ भी चाहिए मिठाई आइटम में सारी चीजें मिल जाएगा। वैसे अगर कोई बाहर मंगवाना चाहे, आपसे पार्सल मंगवाना चाहे तो आना ही पड़ेगा? अच्छा, आना ही पड़ेगा, डिलीवरी नहीं है? डिलीवरी क्या, ऑनलाइन से पैसा डालेंगे तो आ सकता है। अच्छा, पहले पैसा है? अच्छा, पहले पैसा आएगा, पहले पैसा, उसके बाद माल। अच्छा ठीक है, जगह का नाम, ट्रांसफर का नाम बता दीजिए, आप भेज देंगे। अच्छा ठीक है, तो मतलब रमजान के टाइम पे स्पेशल ये है और फिरनी है, ये दो चीज रमजान में रहता है, बाकी बाद में तो। और बाकी यहाँ पर मैं आपको अंदर के साइड में दिखाता हूँ, ये क्या चीज है? ये बकलावा बोलते हैं, बकलावा, ये बकलावा। अच्छा, ये सब बकलावा है? अच्छा अच्छा, और ये क्या है? सेवई, मुनाफा है। और ये 2000 रुपये किलो 1600 रुपये किलो। अच्छा, और ये 1600 रुपये किलो। और ये? अच्छा, ये सब 1600 रुपये किलो है? ये लो भाई। अच्छा ठीक है, और ये क्या चीज़ है जो इधर रखा हुआ है? ये अच्छा अच्छा, धरिया हलवा। और ये सब कौन सा है ये बता दो? ये भी अखरोट का है, ये केसर बादाम है, 1000 रुपये किलो। और ये? ये अखरोट अंजीर 1200 रुपये किलो। अच्छा, ये 1200 रुपये, ये 1000 रुपये किलो, और ये? ये दोनों 1000 रुपये किलो। अच्छा, ये दोनों। और नान खटाई अपने पास में? नान खटाई ये देखो, ये वाला 220 रुपये किलो, 260, 300 रुपये किलो, 360,
अच्छा, ये सब में जमजम का ब्रांडिंग रहेगा? ये देखो भाई, ये अपने इधर का ही बनाया हुआ रहता है सब, फुल माल अपना ही टोटल। अच्छा अच्छा, और ये गुलाब जामुन तो बताए नहीं, वो तो 500 रुपए किलो फेमस है, उसको क्या बोल रहे हैं इधर का फेमस है वो। तो भाई यहाँ पर आप लोग आ जाओ, बहुत सारी चीजें भाई यहाँ पर भी देखो। ये क्या चीज है भाई? ये मावा खाजा है। अच्छा, मावा खाजा है, और मावा खाजा है खोपरे का बिस्किट, इसको बोलते हैं कोकोनट। अच्छा, कोकोनट बोलते हैं इसको। ये इसमें क्या क्या डालते हैं वैसे? इसके अंदर वो रहता है, अंडे से बनता है कोकोनट। अच्छा, डाला जाता है। अच्छा, वो बुरादा बना के? हाँ, बुरादा बना के क्या खमन से मिल है, और ये अपने पास सुतर फिनी है। अच्छा, ईद के लिए क्या स्पेशल है? ईद के लिए तो ये सुतर फिनी है, और बाकी उधर फीकी वाली लगी हुई है। अच्छा अच्छा, इधर पे ईद के लिए अभी अपने पास में क्या है? ईद के लिए केसर बादाम ड्राई फ्रूट। अच्छा, ये वाला है? और ये अंजीर ड्राई फ्रूट। अच्छा, अंजीर है ये, और ये वाला शाही ड्राई फ्रूट। इसका क्या रेट है? 800 रुपए किलो। और ये दोनों? 1000 है ये, 1200 रुपए। अच्छा अच्छा, मतलब 1000 1200, और ये दोनों 800। अच्छा ठीक है, और ये तो उधर पे मैंने आप लोगों को दिखा। ये क्या चीज़ है ये? अच्छा अच्छा, और क्या क्या है अपने पास में? अच्छा, अफलातून है ये, इधर का ये मशहूर है। तो भाई देखो, जमजम की ब्रांडिंग मिल जाएगी आप लोगों, ये सब अपने इधर ही बनाते हैं। अच्छा ठीक, कॉन्टेक्ट ना। ये क्या चीज़ है? इसका क्या प्राइस है? 1000 रुपए। अच्छा, और ये इसका? इसका क्या? ये सब 1000 वाला है? 1600 रुपए किलो। अच्छा, ये 1600 है, ये सब 1000 है। अच्छा, कोई अगर आएगा तो उसको आप तो रेट बता ही देंगे, जैसे फिक्स रहता है कि कम ज्यादा हो जाता है? ज्यादा माल लेने पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मीनारा मस्जिद के सामने जमजम में आ जाओ, जो भी मिठाई वगैरह चाहिए तो ज्यादा लेंगे तो कम डिस्काउंट हो जाएगा, और बाकी हर चीज में हो जाएगा ना। तो भाई यहाँ पर आके एक बार आप लोग जरूर विजिट करना, बहुत अच्छे से आप लोगों को कोऑपरेट भी करेंगे, बातचीत करेंगे। भाई ने बहुत ज्यादा जानकारी दिया, शुक्रिया भाई। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, सब दिखेंगे, ये देखो दिख रहे। ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक। तो भाई साहब, जमजम से बाहर निकलते ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ भाई, फेमस रेस्टोरेंट है उसके सामने आ गया हूँ। यहाँ पर भाई से मैं पूछता हूँ, बहुत सारे वैरायटी है इनके पास में। देखो यहाँ पर ये है फेमस रेस्टोरेंट, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, लेकिन भाई रमज़ान स्पेशल में आप लोगों को बताता हूँ मैं सारी चीज़ें। तो भाई बता दो अपने पास में क्या क्या है अभी? अभी ये सेव रोल है, मिलेगा सेव कबाब मिलेगा, ये अपना चटनी कबाब है, चीज बस कबाब है, ये अपना चीज बस कबाब, लखनऊआ कबाब, हैदराबादी कबाब। अच्छा, ये लखनऊआ कबाब है और वो हैदराबादी कबाब है, और रसियन कौन सा बताए? रसियन रोल रसियन कटलेस। ये दोनों चीज़ भाई भाई के पास में अवेलेबल है। ये रमज़ान स्पेशल है कि हर टाइम रहता है? अच्छा, रमज़ान स्पेशल। वैसे फेमस रेस्टोरेंट का मैं आप लोगों को पहले दिखाया था, अभी रमज़ान में दिखा रहा हूँ। उधर पे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या है भाई के पास में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे ये सब चिकन का है ना भाई? सब चिकन का। इसमें क्या क्या है बता दो जरा एक बार। टिक्का है बस, कांडी, ये पहाड़ी कांडी है बस, ये रेशमी कांडी, ये झालर कांडी, ये झालर रेशमी कांडी बस, ये चिकन चिकन झालर कांडी कबाब है, और ये तो लॉलीपॉप है ना? ये लॉलीपॉप है। और ये क्या चीज है? चिकन 65 है। और ये? ये लेग पीस है। लेग पीस है। और इसमें क्या है? ये चिकन नान सैंडविच है, ये चिकन रोल, मटन समोसा, मटन कांडी है बस, मटन कटलेट। तो ये अभी 2-3 दिन और रहने वाला है ना? आज 27 से 28, 29, 30 खत्म। 3 दिन का और रह गया है, बाकी पूरे महीने ऐसे तैयारी रहती है ना? पूरे 1 महीने ऐसे तैयारी रहता बस। और बाकी वैसे और टाइम पे ये सारी चीजें तो मिलती है ना? अच्छा, ये सब रहेगा, मतलब रमजान स्पेशल इतना सारा आइटम आप बनाते हो,
और रेट एक बार बता दो सबका रेट क्या है? 40 रुपया 40 रुपीस में ये जितना भी है ये सब 40 रुपीस का है। और वो रसियन जो रखा हुआ है वो 30 रुपए का है। और ये सब 50। अच्छा ये सब 50 रुपए का है। ये 40 40। और ये 30 रुपए का एक पीस है। और ये 30 का एक। अच्छा मतलब पीस के हिसाब से, किलो वजन के हिसाब से नहीं है। और ये कितने का है लेग पीस? 120 रुपए का है। और ये 80 रुपए। अच्छा और कुछ है अंदर मतलब रखा हुआ हो कि सब इधर ही है? अंदर है। ये तो बताया नहीं ये क्या है? चिकन बैदा रोटी है। चिकन बैदा रोटी है। इसी में कीमा भी डाल के देते हैं? अच्छा अच्छा। तो भाई देखो बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर, आप लोग आओ। और अभी 3 दिन बचा है, अगर ये पूरे जायके का मजा लेना है भाई यहाँ पर एक बार आओ और विजिट करो। यहाँ पर ये भाई भी ले रहे हैं, आप क्या लिए हो अभी? मैं भी ले रहा हूँ, बस स्टार्ट करने वाला हूँ, सब ले लूँ। अच्छा सब खरीद लेंगे। तो भाई अभी आप तो रोजे से होंगे ना अभी? मेरा तो मन कर रहा था खरीद। और हाँ बैठने के बाद में फिर बच जाता है सब। तो भाई ये सीन मेरे साथ भी होता है ऐसा, रोजा खोलने के पहले लगता है कि बहुत सारा सब खा लेंगे लेकिन बैठने के बाद में भाई पेट भर जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें। तो भाई लोग मीनारा मस्जिद का इस तरीके का पूरा माहौल है अभी रमज़ान के टाइम पे वैसे, और नॉर्मल टाइम पे भी भाई यहाँ पे कोई कम नहीं रहता है, ऐसे ही रहता है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे भाई मोहम्मद अली रोड पे तो यहाँ पर बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप लोगों को खाने पीने की चीज़ें, वैसे सबसे ज़्यादा फेमस तो है अपना मीनारा मस्जिद, वहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तब ज़्यादा आप लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। वैसे कपड़ा वगैरह चाहिए तो भाई यहाँ पर आ जाओ, बहुत सारी यहाँ पर दुकानें हैं। नाखुदा मोहल्ला भी यहीं पर आगे है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पर पहले से है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ सुत्री की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।